हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज आप पढ़ने वाले हैं पैकिंग घनत्व या संकुलन घनत्व किसे कहते हैं, और घनाकार क्रिस्टलों के लिए पैकिंग घनत्व की गणना कीजिए। ठीक है, तो पैकिंग घनत्व को समझना पड़ेगा। हमारे पास में क्या है, एक क्रिस्टल है। ठीक है, इस क्रिस्टल का ये एक जालक है जिसको अपन बोलेंगे एकल कोष्ठिका है ना। और इस एकल कोष्ठिका, ये हमने सरल घनाकार जालक लिया हुआ है जिसके प्रत्येक कोने पर है ना, प्रत्येक कोने पर क्या है, 8 परमाणु स्थित है। ये आप देख पा रहे हो, 1 2 3 4 है ना, 5 6 7 और ये 8 है ना। ठीक है, जिसके जिसकी त्रिज्या कितनी है, जिसके प्रत्येक परमाणु की त्रिज्या कितनी है, आर है ना। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या है वो कितनी आर है, या यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या है वो कितनी है, आर है। यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या कितनी है, आर है। और ये आदर्श परिस्थिति में प्रत्येक परमाणु एक दूसरे से कैसे है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस क्रिस्टल का आयतन कितना होगा, यदि मान लो कि ये प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, ए है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, या यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, ए है ना। कितनी है, इसको अपन मान लेंगे कितनी, ए है, जिसको अपन जालक नेतांक कहते हैं। तो ए लंबाई के जालक नेतांक वाले जालक का आयतन कितना हो जाएगा, 1^3 हो जाएगा। तो मतलब इस एकांक कोष्ठिका का या एकल जालक का क्या रहेगा, कुछ ना कुछ आयतन रहेगा। ओके, मतलब जिसको हम बोलेंगे यूनिट सेल का आयतन है ना। यूनिट सेल का आयतन V इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1^3 निकालेंगे है ना। ठीक है, अब इस 1^3 वाले यूनिट सेल में परमाणुओं का आयतन कितना रहेगा है ना। तो यूनिट सेल में जो परमाणु का कुल आयतन है वो कितना रहेगा, स्मॉल वी रहेगा। यदि उसका आयतन कैसे निकालेंगे, पहले एक गोले का आयतन निकालेंगे, या एक परमाणु का आयतन निकालेंगे, और उस परमाणु में एन, उस जालक में कितने एन परमाणु जुड़े हुए हैं, तो एन इक्वल टू कितना होगा, 4/3 पाई आर की घात 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो गोले का आयतन है वो कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर की घात 3 गुना एन। तो इसमें एन परमाणु जुड़े हैं तो परमाणु का कुल आयतन कितना हो जाएगा, स्मॉल वी, और यूनिट सेल का कुल आयतन कितना हो जाएगा, कैपिटल वी। दोनों के अनुपात को क्या बोलेंगे, पैकिंग घनत्व बोलेंगे है ना। इसका अर्थ यह है कि पैकिंग घनत्व क्या हो जाएगा, कि उस यूनिट सेल के आयतन में परमाणु का आयतन कितना है, यूनिट सेल में जो परमाणु स्थित है उसका आयतन कितना है, वो कहलाएगा पैकिंग घनत्व। क्या कहलाएगा, पैकिंग घनत्व। ठीक है, मतलब एक कमरे में कितना कितना आयतन उसने घेरा हुआ है परमाणु ने, मतलब एक वी आयतन के कमरे में कितने परमाणुओं ने आयतन घेरा हुआ है। ठीक है, या परमाणु का कुल आयतन कितना है वो क्या कहलाएगा, पैकिंग घनत्व कहलाएगा या संकुलन घनत्व कहलाएगा है ना। तो इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, क्या है ये, एक तरीके से अनुपात है किसका, किसी क्रिस्टल की एक या प्रत्येकांक सेल में परमाणु या अणु का कुल आयतन स्मॉल वी, तथा यूनिट सेल के आयतन, यूनिट सेल का कुल आयतन कितना है, कैपिटल वी के अनुपात को हम क्या कहेंगे, उस क्रिस्टल का पैकिंग घनत्व कहेंगे। क्या कहेंगे, पैकिंग घनत्व। ठीक है, तो ये आयतन है कि एक यूनिट सेल है, तो यूनिट सेल का आयतन एक रहेगा कैपिटल वी, और उस यूनिट सेल में परमाणु का आयतन कितना रहेगा। ठीक है, उस यूनिट सेल में परमाणु का कुल आयतन कितना रहेगा, स्मॉल वी। इन दोनों के अनुपात को हम बोलेंगे पैकिंग घनत्व। ठीक है, तो देखते हैं, पैकिंग घनत्व को हम स्मॉल वी अपॉन में कैपिटल वी लिख सकते हैं है ना। तो पहले हमको परमाणु का कुल आयतन निकालना पड़ेगा स्मॉल वी, फिर यूनिट सेल का आयतन निकालना पड़ेगा कैपिटल वी, और कैपिटल वी निकालने के लिए हमको जालक नेतांक ए की वैल्यू ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं, यहाँ पर है क्या, पहले घनाकार जालक के लिए ले रहे हैं तो सरल घनाकार जालक लेंगे हम, जिसके 8 परमाणु पर कितने, 8 कोनों पर क्या रहेंगे, एक एक परमाणु स्थित रहेंगे। ठीक है, और एक एक परमाणु स्थित रहेंगे तो ये किस प्रकार से, ये चित्र दिख रहा है आपको, इस टाइप से अरेंजमेंट रहेगा उसका, जिसमें जिसमें प्रत्येक जो परमाणु रहेगा है ना,
ये परमाणु जो रहेगा अपने निकटतम परमाणु से स्पर्श करता हुआ रहेगा, है ना। तो इस प्रकार से अब प्रत्येक परमाणु की जो त्रिज्या है वो कितनी रहेगी, प्रत्येक परमाणु की त्रिज्या रहेगी कितनी, आर। मतलब यहाँ से उसको सेंटर माने तो ये दूरी कितनी रहेगी, आर, और ये वाली भी दूरी कितनी रहेगी, आर। आर और आर कितना हो गया, टू आर दूरी, ठीक है। और ये टू आर दूरी किसके बराबर रहेगी, जालक नियतांक के बराबर रहेगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक के जो पॉइंट मान रहे हैं प्रत्येक भुजा की लंबाई कितने मान रहे हैं, अपन ए मान रहे हैं, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, टू आर हो जाएगा, है ना। अब इसमें प्रत्येक परमाणु का जो आयतन है वो कितना होगा, चार बटे तीन पाई आर की घात तीन, क्योंकि गोले के रूप में माना है हमने परमाणु को, तो उसका आयतन कितना होगा, चार बटे तीन पाई आर की घात तीन। और प्रत्येक परमाणु अपने निकटतम एक परमाणु को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है ना। तो यहाँ से एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक, है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे सरल घनाकार जालक के लिए कि सरल घनाकार जालक के लिए हम देख रहे हैं किस प्रकार से हो जाएगा, ये वाला पहले ये स्थिति निकालेंगे, है ना। तो सरल घनाकार जालक में प्रत्येक यूनिट सेल में जालक बिंदु या परमाणु की संख्या कितनी होती है, एन इक्वल टू वन होती है। तो उस परमाणु का कुल आयतन कितना हो जाएगा, उस परमाणु का कुल आयतन होगा कितना, एन इंटू चार बटे तीन पाई आर की घात तीन। यदि एक परमाणु की हम बात करें सरल आदि, यहाँ कोनों पर कितने परमाणु होते हैं, एक परमाणु होता है, और उस एक परमाणु की बात करते हैं, ठीक है, तो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन, है ना। और उसका आयतन कितना होगा, चार बटे तीन पाई आर की घात तीन। तो वी इक्वल टू आ जाएगा कितना, चार बटे तीन पाई आर की घात तीन। तो ये जो समीकरण नंबर कितना, एक है, है ना, ये आ गया क्या, एकांक जालक में परमाणु का कुल आयतन, ठीक है, है ना, या प्रतिकांक कोष्टिका में, या प्रतिकांक जिसको अपन बोलेंगे यूनिट सेल में परमाणु का कुल आयतन कितना आ गया, चार बटे तीन पाई आर की घात तीन, है ना। अब निकालेंगे क्या, आदर्श, अब निकालेंगे यूनिट सेल का आयतन, क्या निकालेंगे, ये यूनिट सेल का आयतन निकालेंगे। किस प्रकार से, कि यूनिट सेल का आयतन निकालने के लिए हमको पता है कि यूनिट सेल की भुजा निकालनी पड़ेगी या जालक नियतांक निकालना पड़ेगा ए, है ना। और वो ए की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, आर इंटू, ये आर यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, आर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, आर। तो आर और आर कितना हो गया, टू आर। तो टू आर दूरी किसके बराबर आएगी, ए के बराबर आएगी, जालक नियतांक के बराबर। क्यों, क्योंकि हमने देखा था कि ये इस प्रकार से था, और प्रत्येक जो परमाणु थे, है ना, प्रत्येक जो परमाणु है वो किस प्रकार से, इस प्रकार से अरेंजमेंट थे, है ना। तो ये जो लंबाई थी वो कितनी थी, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ए थी, है ना। और ये ए दूरी किसके बराबर थी, टू आर के बराबर थी। तो आर इंटू आर कितना हो गया, टू आर इक्वल टू कितना, ए। तो ए इक्वल टू कितना आ गया, टू आर। तो वही ए की वैल्यू यहाँ पर पुट करना है हमको, यूनिट सेल का आयतन कितना हो जाएगा, ए की घात तीन, क्योंकि आयतन हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, और तीनों भुजाएं कैसी है, घन के लिए समान है। तो ए इंटू ए इंटू ए कितना हो जाएगा, ए की घात तीन। तो ए की घात तीन, ए का वैल्यू रखेंगे कितने, टू आर की घात तीन हो जाएगा। तो दो की घात तीन कितना हो जाएगा, आठ, दो दूने चार, चार दूने आठ, और आर की घात तीन तो लिख दिया अपन ने, तो ये टोटल कितना आ गया, आठ आर की घात तीन। ये समीकरण नंबर कितना हो गया, दो। अब हमको पता है पैकिंग घनत्व की परिभाषा से क्या होता है, पैकिंग घनत्व की परिभाषा से हम बात करेंगे तो ये वैल्यू निकल कर आएगी इतनी, है ना। पैकिंग घनत्व क्या होता है, जो परमाणु का आयतन स्मॉल वी और किसका, यूनिट सेल का आयतन कैपिटल वी के अनुपात को अपन क्या बोलेंगे, पैकिंग घनत्व बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से स्मॉल वी की वैल्यू रखेंगे समीकरण एक से, कितनी वैल्यू है, चार बटे तीन पाई आर की घात तीन, ऊपर देख सकते हो। और समीकरण दो से कैपिटल वी की वैल्यू रखेंगे आठ आर की घात तीन, ठीक है। आर की घात तीन से आर की घात तीन क्या हो जाएगा, कैंसर, ठीक है, पाई तो बचेगा, और चार की चार, चार दूने कितना हो जाएगा, आठ, है ना। तो ये दो और ये तीन, दो तीन या कितना हो जाएगा, छः। तो पाई आर की, पाई बटे कितना आ जाएगा, सिक्स। पाई की वैल्यू रखेंगे 3.14, अपॉन में कितना हो जाएगा, 6। तो ये टोटल वैल्यू निकल कर आएगी कितनी, 0.52। ओके, तो ये आपका पैकिंग घनत्व निकल कर आएगा सरल घनाकार जालक के लिए,
ओके ठीक है। इसके बाद में हम निकालते हैं फलक केंद्रित एकल जालक के लिए, है ना। तो फलक केंद्रित एकल जालक के लिए आप देख सकते हैं आठों कोणों के अतिरिक्त उसके फलक के केंद्र पर भी क्या है, एक एक परमाणु स्थित है, ठीक है ना। अब यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि ये जो है ये और ये है ना, तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, ए कितनी हो जाएगी, जालक नियतांक की वैल्यू आ जाएगी ए। यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी कितनी रहेगी, ये भी ए ही रहेगी, लेकिन ये इनके बीच में ये वाली दूरी कितनी रहेगी आप, है ना, ये दूरी निकालना है हमको। यह हो जाएगा लंब ए, यह हो जाएगा आधार ए, और ये कर्ण की वैल्यू निकालनी है ना। तो यह अरेंजमेंट रहेगा किस प्रकार से, यह अरेंजमेंट रहेगा इस टाइप से, ठीक है। जहाँ पर ये दूरी कितनी होगी ए, ये वाली दूरी कितनी होगी ए, और इनके बीच में ये वाली दूरी हमको निकालना है जो इस फलक के केंद्र पर ये वाला परमाणु स्थित है, ठीक है। तो ये कोने वाले फलक की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, कोने वाले परमाणु की त्रिज्या आर, बीच वाले परमाणु की त्रिज्या आर, ये आर होगी और ये आर होगी, कितनी होगी टू आर, ठीक है। और इस कोने वाले फलक की त्रिज्या, कोने वाले परमाणु की त्रिज्या कितनी हो जाएगी आर। तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक के कितने आर हैं, यहाँ से यहाँ तक के टोटल है कितने, फोर आर है। तो फोर आर जो है वो उसका कर्ण हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। तो वैल्यू निकालेंगे क्या, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस कितना, आधार का वर्ग। तो कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण की वैल्यू कितनी है, ये टोटल वैल्यू है कितनी, फोर आर। तो यहाँ से लिखेंगे अपन कितना, फोर आर इक्वल टू अंडर रूट में लंब का वर्ग कितना, ए का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, मतलब ये कैपिटल ए का वर्ग, स्मॉल ए का वर्ग, है ना। तो ए का वर्ग प्लस ए का वर्ग कितना हो जाएगा, अंडर रूट में टू ए का वर्ग, ठीक है। तो फोर आर इक्वल टू हो गया कितना, अंडर रूट में टू ए का वर्ग। ए का वर्ग अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो फोर आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बाहर निकल गया अंडर रूट टू जैसे का वैसा। तो यहाँ पर निकल कर आएगी फोर आर इक्वल टू ए अंडर रूट में टू, ठीक है। तो ए की वैल्यू निकल कर आएगी फोर आर अपॉन में कितना, अंडर रूट में टू, ओके। तो ये ए की वैल्यू निकल कर आएगी फोर आर अपॉन में कितना, अंडर रूट में टू। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फोर आर अपॉन में अंडर रूट में टू को हम क्या लिख सकते हैं, टू इंटू टू अंडर रूट, टू इंटू टू आर अपॉन में कितना, अंडर रूट में टू, ऐसा लिख सकते हैं ना। फोर को दो इन दो गुना दो में लिख सकते हैं। अब इस दो को भी हम क्या लिख सकते हैं, दो, इस दो को भी क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में टू इंटू अंडर रूट में टू लिख सकते हैं। आर अपॉन में कितना आएगा, अंडर रूट में टू है तो अंडर रूट में टू से अंडर रूट टू क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो कितना आ जाएगा, टू अंडर रूट टू आर। तो यहाँ से लिखा हमने कितना, ये देख सकते हो आप, ए इक्वल टू टू अंडर रूट टू आर, ठीक है। तो ए की वैल्यू हमको कहाँ पुट करना है, यहाँ पुट करना है। वी इक्वल टू कितना, ए की घात तीन, है ना, वी इक्वल टू ए की घात तीन। ए की वैल्यू करेंगे कितना, टू अंडर रूट टू आर, है ना, उसकी घात कितनी हो जाएगी, तीन। तो यहाँ से दो का वर्ग, दो की घात तीन कितनी हो जाएगी, आठ, ठीक है। फिर अंडर रूट टू की घात तीन मतलब कितना हो जाएगा, अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू कितना हो जाएगा, टू। फिर अंडर रूट टू इंटू कितना हो जाएगा, आर की घात तीन। तो टोटल हो जाएगा आठ दूने सोलह अंडर रूट टू आर की घात तीन, ठीक है। यही वैल्यू हमने लिखी है ऊपर समीकरण चार में, कितना हो जाएगा, सोलह, या आप देख सकते हैं सोलह अंडर रूट टू आर की घात कितना, तीन, ठीक है। तो ये कैपिटल वी की वैल्यू निकल कर आ गई, है ना। तो स्मॉल वी की वैल्यू कितनी है, ये है स्मॉल वी की वैल्यू समीकरण तीन से, तीन से सोलह बटे तीन पाई आर की घात कितनी, तीन। ये लिख दिया अपन ने पैकिंग घनत्व की परिभाषा में, कितना हो जाएगा, सोलह बटे तीन पाई आर की घात तीन अपॉन में समीकरण चार से कैपिटल वी की वैल्यू लिखेंगे कितनी, सोलह अंडर रूट में टू आर की घात कितनी, तीन। यहाँ से आर की घात तीन से आर की घात तीन क्या हो जाएगा, कैंसल, ठीक है। सोलह से सोलह क्या हो जाएगा, कैंसल। अब ये तीन जो है वो नीचे आ जाएगा और ऊपर क्या बचेगा, पाई। तो क्या हो जाएगा, पाई अंडर रूट में, सॉरी, तीन अंडर रूट में कितना, टू, है ना। और इसकी वैल्यू जो होगी वो पूरी
वैल्यू निकल कर आएगी 0.74, कितनी वैल्यू निकल कर आएगी 0.74। ओके तो ये वैल्यू निकल कर आ गई है ना बराबर। तो ये वैल्यू आ गई आपके किसके लिए, फलक केंद्रित घनाकार जालक के लिए। ठीक है, अब यहाँ से हमको ये जो निकाला अपन ने फलक केंद्रित में कौन सी, ये 4r इक्वल टू कितना a अंडर रूट में 2, इसी को लेकर हमको क्या करना है, जो अंत केंद्रित घनाकार जालक है उसको देखना है ना। तो अंत केंद्रित घनाकार जालक में ये देखो आप, यहाँ से यहाँ तक ये अंत केंद्रित घनाकार जालक में आठों कोनों पर 8 परमाणु है और बीच में क्या है, एक परमाणु स्थित है। ठीक है, तो यहाँ से हमने पिछले इसमें देखा था कि परमाणु यदि यहाँ पर है, केंद्र पर है, फलक पर है, तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होती है, 4r इक्वल टू कितना 2√2, ये वैल्यू होती है ना। 4r इक्वल टू कितना होता है 2√2। ठीक है, तो इसी को लेकर चलना है हमको है ना। तो यहाँ से ये 4r इक्वल टू कितना a√2 है ना। तो यहाँ से ये लिखा है अपन ने कितना a√2। अब ये वाली a√2 वैल्यू आ गई, ये वाली वैल्यू कितनी आ गई a है ना, और यदि उसके केंद्र पर एक परमाणु स्थित है तो ये टोटल वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएंगी, ये भी हो जाएगी कितनी 4r, कितनी हो जाएगी 4r। ठीक है, तो 4r ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंबा, तो ये लंबा का वर्ग। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर ये, तो इसको करने के पहले सबसे पहले तो हम निकालेंगे क्या, अंत केंद्रित घनाकार जालक में यदि प्रत्येक यूनिट सेल में परमाणु की संख्या कितनी है, 2 है, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी, n इंटू कितना 4/3πr³, n की वैल्यू कितनी रखेंगे 2, तो कितना वैल्यू आ जाएगा 4×8/3πr³, ये वैल्यू निकल कर आएगी यहाँ से, समीकरण नंबर कितना हो गया 5। ठीक है, उसके बाद में स्मॉल वी की वैल्यू निकल कर आ गई, इसके बाद कैपिटल वी की वैल्यू निकालेंगे तो ए की वैल्यू निकालना पड़ेगा हमको है ना। तो ये अंडर रूट में कितना हो गया, ये वाली वैल्यू, ये अंडर रूट में 2 वाली वैल्यू होगी, ये वाली वैल्यू निकाली थी, ये वैल्यू ए हो गई, और ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4r हो जाएगी, ये कितनी हो जाएंगी 4r। तो कर्ण का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, लंबा का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो कर्ण बराबर हो जाएगा, कर्ण मतलब कितना आ जाएगा 4r इक्वल टू लंबा का वर्ग मतलब अंडर रूट में कितना आ जाएगा a का वर्ग प्लस कितना a अंडर रूट में 2 का वर्ग। ठीक है, तो a का वर्ग ये हो गया एक, अब यहाँ पर a अंडर रूट में 2 का वर्ग मतलब क्या हो जाएगा, a का वर्ग और अंडर रूट में 2 का वर्ग मतलब 2, कितना हो जाएगा 2, तो 2a का वर्ग हो गया, तो ये 2a का वर्ग प्लस a का वर्ग कितना हो जाएगा अंडर रूट में 3a का वर्ग। अभी a जो है वो बाहर निकल जाएगा स्क्वायर है, तो ये अंडर रूट में कितना हो गया 3, तो 4r इक्वल टू हो गया कितना a अंडर रूट में 3, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4r अपॉन में कितना अंडर रूट में 3। तो यहाँ से यही a की वैल्यू हमको निकालना है, तो a की वैल्यू कितनी होगी 4r³ अपॉन में अंडर रूट में 3, तो इससे निकालेंगे हम किसकी, आयतन की वैल्यू निकालेंगे, तो आयतन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 4 कितनी हो जाएगी 3, तो ये हो गया कितना 3, तो 4r अपॉन में अंडर रूट में 3 की घात कितनी 3 है ना। तो यहाँ पर 4r³ कितना होगा 4×16 कितना 64। ठीक है, तो 4³ करना पड़ेगा, मतलब 4 का गुण 4 जो है उसका 3 बार गुना करना पड़ेगा, तो 4×16 r³ आ जाएगा, और अंडर रूट में 3³ मतलब कितना हो जाएगा अंडर रूट में 3 × 3 तो अंडर रूट में 3 × 3 कितना हो जाएगा 3, और अंडर रूट में 3 एक बचा था तो 3 अंडर रूट में कितना 3। तो पैकिंग घनत्व तो आप क्या वैल्यू आ जाएगी, पहले तो ये परमाणु का आयतन कितना निकाला था हमने 8/3πr³, ये आप देख सकते हो इधर ये है ना, कितना निकाला था 8/3πr³ है ना, ये लिखा है हमने अपॉन में
यूनिट सेल का आयतन कितना हो जाएगा, 16 आर की घात 3 अपॉन में 300 में 3, है ना। यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से या इसको अपन सरल करते तो ये 8/3 इंटू कितना हो जाएगा, ये अपॉन में जो है 300 में 3 ऊपर चला जाएगा तो ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। और पाई आर की घात 3 ये ऊपर वाला ऊपर ही रहेगा, अपॉन में 64 आर की घात 3 ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो यहाँ से 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, है ना। आर की घात 3 से आर की घात 3 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल, है ना। और 8 8 8 ठीक है 8 8 64 ये 8 यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब बचा ऊपर कितना, अंडर रूट में 3 पाई अपॉन में कितना 8, और इसकी वैल्यू यदि निकालेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 0.68, है ना। तो ये पैकिंग घनत्व निकल कर आएगा किसका, ये निकल कर आएगा अंतःकेंद्रित वाला, अंतःकेंद्रित घनाकार जालक का, है ना। तो इस प्रकार से हमने तीनों के लिए क्या निकाल लिए अभी तक के, तीनों के लिए हमने पैकिंग घनत्व की वैल्यू निकाल ली। पहले आद्य जालक के लिए, सरल घनाकार जालक के लिए एन की वैल्यू कितनी रखी थी, 1 रखी थी, ठीक है। एन की वैल्यू कितनी रखी, 1 रखी। उसके बाद में घनाकार जालक के लिए कितनी वैल्यू रखी, फलक केंद्रित घनाकार जालक के लिए 4 वैल्यू रखी, है ना। एन की वैल्यू कितनी रखी थी, 4। और अंतःकेंद्रित के लिए कितनी रखी, 2, है ना। तो इस प्रकार से हमने अलग अलग जालकों के लिए क्या वैल्यू निकाल ली, पैकिंग घनत्व की वैल्यू निकाल ली। अब ये सरल घनाकार जालक, फलक केंद्रित घनाकार जालक और अंतर केंद्रित घनाकार जालक में क्या है, ये अंतर है, जिसमें पहला है यूनिट सेल में परमाणु की संख्या। अभी देखा हमने सरल घनाकार जालक के लिए कितना होता था, 1, फलक केंद्रित के लिए कितनी, 4, और अंतर केंद्रित के लिए कितनी, 2। इसमें सहसंयोजक संख्या की बात करेंगे तो सरल घनाकार जालक के लिए कितनी, 6, और फलक केंद्रित घनाकार जालक के लिए यदि समान आयनों के लिए बात करते हैं तो 12, और विपरीत आयनों के लिए बात करते हैं तो कितनी, 16, ठीक है। उसी प्रकार से अंतःकेंद्रित के लिए कितनी आ जाएगी, सहसंयोजक संख्या 8, ठीक है। वो हम मिलर अनुपात, मिलर सूचक के रूप में हम उसको अगले वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे, है ना। उसके बाद में यूनिट सेल का आयतन कितना है, सबका यूनिट सेल का आयतन समान रहेगा, 1 की घात कितना, 3। इसमें परमाणु की त्रिज्या कितनी रहेगी, a/2, इसमें कितनी रहेंगी, a/2 √2, और इसमें रहेगी कितनी, a√3/4, ठीक है। अभी पैकिंग घनत्व निकाला हमने सरल घनाकार जालक के लिए 0.52, उसके बाद में फलक केंद्रित घनाकार जालक के लिए कितना, 0.74, और अंतःकेंद्रित घनाकार जालक के लिए कितना, 0.68, ठीक है। और इसके पहले वीडियो में हमने जालक नेतांग a की वैल्यू निकाली थी, ठीक है। तो a की वैल्यू होती थी nm/N m/N rho की पावर कितनी, 1/3, जहाँ n जो होती है वो क्या होती है, यूनिट सेल में परमाणु की संख्या को शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये वैल्यू निकल कर आएगी m/N rho/1/3। यहाँ यदि 4 रखेंगे n की वैल्यू तो 4m/N rho/1/3 कितनी हो जाएंगे, 1/3। उसी प्रकार यहाँ 2 रखेंगे तो 2m/N rho/1/3 कितनी, 1/3, है ना। तो इस प्रकार से ये सरल घनाकार जालक, फलक केंद्रित घनाकार जालक और अंतःकेंद्रित घनाकार जालक में क्या है संबंध, या उसमें अंतर को भी यहाँ पर हमने प्रदर्शित कर दिया, है ना। तो दोनों क्वेश्चन आ गए यहाँ पर, ठीक। थैंक यू।